वेलकम टू माय चैनल। आज हम धनिया के पत्तों की मट्ठी बनाने जा रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। चलिए फिर बनाते हैं धनिया के पत्तों की मट्ठी। धनिया पत्ता का मट्ठी बनाने के लिए मैंने यहाँ मैदा लिया है एक बाउल में। अब हम इसके अंदर सबसे पहले 4 चम्मच ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल। पता नहीं, 3, यह देखिए मैंने 4 चम्मच ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल। स्वाद अनुसार नमक लेंगे, यह देखिए। हम हाथों की सहायता से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। यह देखिए तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यह देखिए अगर हमारी मैदा की मुट्ठी बनने लग जाए, यानी कि हमारा मैन जो है परफेक्ट है। यह देखिए अब हम इसके अंदर धनिया के पत्ते डालेंगे। यह देखिए यहाँ मैंने इस कटोरी से मैंने आधा कटोरी लिया है और इसे भी हम मिला लेंगे। एक बार आप लोग ज़रूर इसे बनाइएगा, यह बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हम पानी की सहायता से, यह देखिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है, इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक टाइट डो लगा लेंगे। यह देखिए हम अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे पानी को। इसके अंदर हम थोड़ा सा और पानी लेंगे, यह देखिए इसे भी हम मिला लेंगे। यह देखिए डो हमारा तैयार हो गया है, इस तरीके का हमने बनाया है, टाइट है। अब हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे अपने हाथों में, यह देखिए ऐसे चारों तरफ से इस तरीके से मिला लेंगे इसके अंदर। अब हम इसे ढककर इसके ऊपर हमने लगा लिया है और 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं इसे। 10 मिनट हो गए हैं, चलिए हम चेक कर लेते हैं डो को। यह देखिए डो हमारा सॉफ्ट हो गया है। इसे हम एक बार और मिला लेते हैं, यह देखिए। चलिए अब हम इसका लोई बना लेते हैं डो का। यह देखिए थोड़ा सा मैंने आटा लिया इस तरीके से, ऐसा और लेंगे और इसका एक हम लोई बना लेंगे थोड़ा बड़ा सा। यह देखिए इस तरीके से हम लोई बना लेंगे, यह देखिए। यहाँ मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, हम इसके अंदर लोई को मिला लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, इसको हम बेल लेते हैं। आप जिस मोटाई में बेलना चाहेंगे उतना बड़ा आप कर सकते हैं, थोड़ा सा पतला ही कीजिएगा, क्योंकि मैदा का जो आटा है अक्सर हम बेलते हैं और फिर वापस वो अपने पोजीशन में आ जाता है, सिकुड़ जाता है, इसीलिए। यह देखिए मैंने इस तरीके से मोटे, थोड़ा सा मोटे आकार में बेल लिया है, यह देखिए। अब मैंने 1 गिलास लिया है, इसे हम मैदा में इस तरीके से डिप करेंगे इसके मुँह के ऊपर और इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। यह देखिए बहुत ही अच्छी और गोल गोल हमारी मट्ठी जो है इसे तैयार होंगी। चलिए मैं एक कप को निकाल के दिखाती हूँ, यह देखिए। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं,
अब हम फॉर्क की सहायता से इसके अंदर छेद कर लेंगे इस तरीके से, ताकि यह फूले ना। यह देखिए, इसी तरीके से हम सभी मठियों को बनाएंगे। यह देखिए, मैंने मठियों को तैयार कर लिया है। देखिए, हमारा ऑयल जो है गर्म हो गया है। चलिए अब हम मठी को फ्राई कर लेते हैं। यह देखिए इस तरीके से हम डालेंगे। इसे हम दोनों साइड से ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारी जो मट्टी जो है बहुत ही अच्छी कुरकुरी निकले। यह देखिए, हमारी मट्टी जो है बहुत ही अच्छी तरह से सिक गया है। यह देखिए, दोनों साइड से अच्छा सा कलर भी आ गया है। यह देखिए, यह हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए मैं आपको एक बार और इसे फ्राई करके दिखाती हूँ मट्टी को। देखिए, इसे भी हम उसी तरीके से फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। आगे पीछे हम पलट लेंगे इसे। यह देखिए, यह अभी हमारा मट्टी जो है बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और दोनों साइड से ब्राउन भी हो गया है। यह देखिए, चलिए इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सभी मट्टियों को फ्राई कर लेंगे। यह देखिए फ्रेंड्स, हमारे धनिया के पत्तों की मट्टी बनकर तैयार हो गई है। यह बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छी और उतनी ही कुरकुरी बनी है। चलिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। यह देखिए, यह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।